एम एक्स प्लेयर की जो इज्जत मेरे इस दिल में बनी थी कसम से एक तो वो मस्तराम वेब सीरीज़ देख कर और अब ये वाली जो सीरीज़ देख की है वो ख़त्म हो चुकी है यार नमस्कार दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मनफोड़गंज की बिन्नी <laughs> ये जो सीरीज़ है इसमें टोटल दस एपिसोड है इसे डायरेक्ट किया है विकास चंद्रा ने इसके अंदर कास्ट है प्रणति राय प्रकाश अतुल श्रीवास्तवा और अनुराग सिन्हा और बाकी अन्य कलाकार अब इसकी बकवास स्टोरी पे आते हैं तो इसमें एक लड़की है बिन्नी बाजपेई जिसे बहुत खुले विचार वाले और एकदम तो बिंदास जीने वाली एक लड़की दिखाया गया है मैंने, मैं नहीं मैं नहीं कह रहा ये ये सीरीज़ कह रही है वैसे जब आप ये सीरीज़ देखोगे तो आपको इससे बेवकूफ़ इससे वाहियात करैक्टर आपको कोई और इस सीरीज़ में नज़र भी नहीं आने वाला तो बिन्नी का अपनी ज़िंदगी में एक ही मोटिव है वो कि वो शादी करना चाहती है और कैसे लड़के से एक ऐसा लड़का जिसके पास पैसे हो जिसके पास पावर हो उधर इसके माँ बाप भी चाहते हैं कि बिन्नी की शादी हो जाए चाहे वो कैसे लड़के से हो जाए चाहे वो बिन्नी खुद पसंद करे या वो उसके माँ बाप पसंद करके दे या उससे किसी से भी हो जाए उनको कोई लेना देना नहीं बस उनका मेन मोटिव यही है यह कि शादी हो जानी चाहिए तो बिन्नी अपने लिए लड़का ढूंढती है और उसको लड़का पसंद भी आता है मनफोड़गंज के ही क्षेत्र के एमएलए उसका बेटा होता है राहुल पांडे तो वो राहुल को फंसाने के लिए या पटाने के लिए जो भी समझ लो तो उसके पीछे वो लग जाती है और अब साथ ही साथ बिन्नी को पसंद करने वाले लड़कों की कतार लगी हुई है उनमें से दो मेन है एक तो वो तरुण जो इसके साथ बचपन से पढ़ा इसी के साथ बचपन में यहाँ पे खेला कूदा पड़ोस में इसके रहता है जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है वो बिन्नी से बहुत प्यार करता है बिन्नी को भी ये बात पता है कि तरुण उसे बहुत प्यार करता है लेकिन वो उसे घास नहीं डालती क्योंकि भैया बिन्नी खुले विचार वाली है कहाँ इन तुच्छ लड़कों के मुंह लगती उधर एक और लड़का है राजा जो बिन्नी से चुप चुप के प्यार करता है और इवन उसने आज तक कभी अपने घर में किसी काम को हाथ नहीं लगाया लेकिन वो बिन्नी के माँ बाप के उसके स्कूटर ठीक कर रहा है उसकी वॉशिंग मशीन ठीक कर रहा है फ्रिज ठीक कर रहा है वैक्यूम क्लीनर ठीक कर रहा है और मिक्सर मिक्सर भी ठीक कर रहा है ताकि बिन्नी उसे प्यार करने लग जाए प्यार करने वाले लड़कों देखो इसमें से एक भी हरकत तुमने नहीं करनी है अब बिन्नी राहुल के नज़दीक जाने के लिए कोशिशें कर रही है उसके घर जाती है मतलब समझ रहे हो एमएलए के घर जाना इतना आसान है बिन्नी और उसकी सहेली दीवार लांग कर उस गार्डन में पहुंच जाते हैं जहां एमएलए चाय पी है अपने बेटे के साथ और वो झाड़ियों में छुप कर उनकी बातें सुन रहे <laughs> यार एम एल ए की तो रोज़ फटी रहती होगी मतलब कोई भी ऐसा ऐरा गैरा उठा के मुंह आ जाता होगा सिक्योरिटी बेचारे के पास है नहीं बिन्नी मात्र एक दिन के अंदर राहुल के साथ डेट पे चली जाती राहुल उसको घर में ले आता है अपने और इवन उसको अपने बेडरूम में ले जाके उसके साथ ये करने के बाद बिन्नी बड़ी खुश होती है कि हाँ अभी अब राहुल उसके कब्जे में आ गया है जो भी उसे पसंद करने लग गया खुले विचार हैं भैया और ये बड़े ढोल पीटती अपनी सहेली के सामने उसके उसने सब कुछ उसके साथ कर लिया अब राहुल उसका हो गया अब वो उसके साथ शादी कर लेगी अब वो इस मनपोड़गंज से बाहर निकल जाएगी क्या इमेजिनेशन क्या स्टोरी लिखी है राइटर ने कमाल हो यार अभी एक दिन तो पूरा हो जाने देते क्या राहुल के एम बाप का एक एम लीक हो जाता है तो राहुल को वहाँ से भागना पड़ता है मनफोड़गंज छोड़ के जाना पड़ता है बिन्नी को लगता है कि वो उसे धोखा दे गया एक्चुअली धोखा ही दे रहा होता है वो तो बिन्नी अपने माँ बाप के पसंद के अनुसार उन लड़कों को देखना शुरू कर देती है जो उससे शादी करना चाहते हैं तो उसे एक लड़का पसंद भी आता है यार नहीं भी आता क्योंकि वो फिफ्टी फिफ्टी होती है कि किसे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो अमेरिका में जॉब कर रहा है इधर वो एक और ऑप्शन भी रखना चाहती है बैकअप में ऑप्शन रखना चाहती है कि अगर ये अमेरिका वाला लड़का पसंद नहीं आया तो ये तरुण जो है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एटलीस्ट वो इसके बैकअप में रहे इससे वो शादी कर ले एटलीस्ट उसके पास गवर्नमेंट जॉब है और राजा का इसमें कोई भी रोल नहीं होता बेचारा वो तो स्कूटर ठीक करने में लगा हुआ है और कमाल की बात ये है कि बिन्नी के माँ बाप ये सब चीज़ों में उसका सपोर्ट कर रहे हैं मतलब उसने उसके साथ राहुल के साथ सब चीज़ें कर ली कोई टेंशन नहीं वो दो दो लड़कों के साथ बैकअप में रख रही है कोई दिक्कत नहीं अपनी मर्जी से वो कहीं भी जा रही है कहीं भी रुक रही है कोई मतलब नहीं जब उसे एटलीस्ट पसंद भी आता है वो अमेरिका वाला लड़का इतने में बिन्नी के पास कॉल आता है राहुल का दिल्ली में होता है वो कहता है कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ प्लीज़ तू दिल्ली आ जा तुमको क्या लगता है लड़की तो लिबरल है यार बड़ी ही अच्छी खुली सोच है वो तो जाएगी और वो चली भी जाती है और वही होता है जो तुम सोच रहे हो वही होटल में वही गंदे काम होना एटलीस्ट तो उसे बचाने के लिए राजा वहाँ पहुँच जाता है उसके पीछे पीछे क्योंकि उसके माँ बाप उसे भेज देते हैं कि भाई बचा के ला लिबरल लड़की है कुछ भी हो सकता है तो उसे बचा के लेके आता है और अब कमाल की बात तो ये होती है कि वो बस में राजा से कहती है यार मैं क्या कोई गलती कर रही थी क्या मैंने कोई ऐसा गलत काम कर दिया कि मैं अपने दिल का पीछ मैं जो मेरा दिल कह रहा था मैं तो बस उसी की मान रही थी क्या मैंने कोई गलती की क्या नहीं तूने कोई गलती नहीं की गलती मैंने की जो मैंने ये वेब सीरीज़ देख रही और गलती वो लोग कर रहे हैं जो ये वेब सीरीज़ देखने की सोच रहे हैं या वो देख भी रहे हैं और मैं अपने व्यूअर्स को ये गलती नहीं करने दूंगा देखो भैया अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हो और कोई भी बकवास अपने सर में नहीं डालना चाहते तो इस सीरीज़ से दूर रहो ना ही तो इसमें कोई कहानी है ना ही कोई ढंग की एक्टिंग है ना ही कोई डायरेक्शन है इस चीज़ में और आप इस सीरीज़ को देखोगे नहीं बल्कि झेलोगे और आपकी सहन शक्ति शायद ये बढ़ा दे झेल झेलने की चहन सकती है बढ़ा भी सकती है देखो यार मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है यार कसम से गाली देने का मन कर रहा है इन जैसे जिन जो मेकर्स हैं जो टाइम ख़राब करते हैं यार तीन घंटे की वैल्यू होती है वो मस्त रहा वो साढ़े पाँच घंटे इसमें तीन घंटे इससे अच्छा मैं एक वेब सीरीज़ देख रहा हूँ उसके ऊपर टाइम लग रहा है वही देख लेता क्या आ रहा है मैं कुछ तो सोच समझ के किसी को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करने दो कोई भी आ रहा क्यारह नत्थ तुम देखते नहीं हो गया कोई चीज़ कि कौन तुम्हारे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा है क्या उसमें डाल रहे हैं क्या कंटेंट है उसके अंदर और वो लोग जो ये इंतजार कर रहे हैं कि इस कहानी का कोई अंत होगा देखो यार मेरी प्यारी भोली वाली जनता अंत उसी चीज़ का होता है जिसमें कोई कहानी होती है ये तो बिना सर पैर की चीज़ थी इसको जितना लंबा चाहे खींच सकते हो इसका कोई अंत नहीं है तो कोई अंत नहीं है भाई इसमें वेट मत करो बस यही कहूँगा कि दूर रहो सही रहो सुरक्षित रहो और कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ो कुछ अच्छी चीज़ें देखो एक मैंने देखी है एक से एक मूवी देखी है थोड़े टाइम बाद उसका रिव्यू मैं करूँगा बहुत अच्छी मूवी है उसकी बात मैं करने वाला हूँ अगली ही वीडियो में बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में और भाई जिन्होंने देख लियो तो वो दुख अपना मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और हाँ जिनको ये पसंद है देखो पसंद भी कईयों को होती है ना उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ तो कॉमेंट बॉक्स ओपन रहता है अपना जितनी भी वीडियो देखो ओपन ही रहते हैं तो गाली जितनी देना चाहो दे सकते हो पूरे रिस्पेक्ट करता हूँ मैं भी लिबरल बन रहा हूँ ऐसी ऐसी सीरीज देख रहा हूँ तो लिबरली बन रहा हूँ क्यार बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद